मसरख थाना क्षेत्र के ब्राहिमपुर गांव में हैं। एक बार नहीं, इस प्रखंड में 3 बार शराब कांड हो गया, इस बार भी हो चुका है और काफ़ी लोगों का मौत लगातार हो रहा है, जिसके वजह से लोगों में दहशत मचा हुआ है। यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं। चाचा, ये किस तरह के कांड हुआ है, थोड़ा छोड़ दीजिए सर। ये कांड का हुआ है, ये सब पुलिस यहाँ शराब बिकवा रही है, सब यहाँ का शराब बिकने वाला करोड़पति बन गया है, यहाँ करोड़पति बन गया है और पियक्कर सब भिखभंगा बन गया है। कहाँ कुछ हो रहा है, 3-3 बार शराब कांड हो गया मसरख में। मौत हुआ है, कैसे हुआ है? शराब पीने से हुआ है, शराब पीने से हुआ है। पीने के बाद क्या हो रहा है चाचा? पीने के बाद सब लोग बेहोश हो जा रहे हैं, किसी का आंख से लोक नहीं रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को उल्टी हो रहा है, इसी तरह सब मर गया। कल से हम लोग SDM साहब थे, DM साहब थे, SP साहब थे, हम लोग 4 आदमी को भेजे हैं, उसमें 2 आदमी बचा है, 6 आदमी को भेजे हैं जिसमें 2 आदमी बचा है, 4 आदमी मर गया है। इस गांव के, इसी का, इसी टोला के, इसी वार्ड के। टोटल कितना आदमी अभी तक? अभी तक ले हमारे वार्ड से 4 आदमी मर गए हैं। पता तो लग रहा है कि यहाँ 40 से ऊपर इस जवार में मसरख और भगवानपुर प्रखंड के में लगभग लोग मरे हैं, इस तरह से पता लग रहा है। बहुत बड़ा कांड होने जा, अभी लोग मरिए रहा है। क्या कहिएगा आप? अब क्या कहेंगे, सरकार का जो पॉलिसी है वही हम लोग कहेंगे। सरकार एकदम दारू बंदी कर कर एकदम नाकाम मूड में है, दूसरा क्या हम लोग कहेंगे। चाचा नाम बता दें। मुन्ना सिंह। तो ये ग्रामीण है, कहीं ना कहीं प्रशासन के प्रति भी लोगों में गुस्सा है। और यहाँ पर देख सकते हैं चाची का एक ही बच्चा था और वो भी मतलब शराब पीने से उनका देहांत हो गया है, और इनके जो बेटा थे उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कैसे अब घर का परवरिश चलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और बूढ़ी माँ है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा विपद की घड़ी आ गई है। चाची राउट को गो लेकर लग एक जनर पोता को गो बालू दो जना बालू कितना बड़ा लोग बालू, ये कैसे हो गल कांड? हमका कहनी है तो ने बोली ना, हमका बोली, हमने बोले कोई ना जो पीके मर गईले, पियल पियल है बरन बबुआ हमार, हम ना देखनी ये कहां से ले आके पियल है, सुत गई रही, सुत गई रही। का नंबर आउट है छी? हमार हसीना बीबी। तो ये माँ है हसीना बीबी, और इनका हालत काफ़ी ख़राब है, जिसके वजह से बोलना भी मुश्किल हो गया है। दारू पिए, दारू पिए थे। तो सबसे पहले क्या दिक्कत होने लगा उनको? कुछ नहीं, वो पहले घर पे चले आए थे, घूमने के लिए गए थे तो घर पे चले आए थे। उसके बाद एक गो गंडामन का जो दारू लाता है वो पंकज कुमार राम है, और एक उसका भाई चुनू कुमार राम है, वही लोग उनको फ़ोन करके बुलाए कि थोड़ा आओ, और उसके बाद उनको लेकर गए लोग, और उसके बाद वहाँ से सब दारू वारू खरीद उद के लाए लोग, और उसके बाद बेचा उचा लोग और पिया लोग, और उनको भी पिला दिया लोग। उसके बाद ये लोग और लेकर आए लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे 2-3 आदमी थे लोग, वो भी पिए लो। उसके बाद उनको शाम को आए तो खाना वाना खाए, रात में आए तो, और खाना वाना खा के और उसके बाद वहाँ पे जाके पुल पे मछली वछली मारे थे, उसमें 4 बजे तक सोए वहाँ पे। सुबह में आए घर पे, उसके बाद थोड़ा इधर चाय वाय पिए, चाय वाय पी के उधर घूमने के लिए गए, घूम के आए, उसके बाद सो गए। सोने के बाद सो गए थे, उसके बाद हम 1 बजे के जगाए थे उनको खाना खाने के लिए दिन में, तो उठ के वहाँ से और चले गए जाके वहाँ बाहर सो गए, बाहर सोए हुए थे। उसके बाद शाम को उठे, उधर बाथरूम गए, बाथरूम से आए, उसके बाद वहाँ पे बैठ के थोड़ा उल्टी भी किए, उल्टी किए, उसके बाद आए तो घर पे तो बोले थे कि सर दर्द कर रहा है, तो हम लोग समझे कि गैस वैस हुआ होगा, इसीलिए बताए नहीं थे कि दारू हम लोग पिए हैं। तो यहाँ पर आए, उसके बाद सर दर्द कर रहा था, उसके बाद 12-1 बजे के बाद उनको जो उनके साथ में एगो थे वो पिए हुए थे, जो सुबह में जिनका मौत हो गया वो भी पिए हुए थे दारू। तो उनको जब हॉस्पिटल में ले जाया गया तो वहाँ पे पता चला कि जितना लोग दारू पिया है सब लोगों का ये हुआ है, सब लोगों को जगा कर रखिए, और उसके बाद जितना हो सके उतना उन लोगों को उल्टी करवाइए। तो उसके बाद इनका भी तबीयत खराब होने लगा। हाँ, इनका भी वहीं से उसी समय इनका भी थोड़ा एथी हो गया, उसके बाद आँख से दिखाई नहीं। आप लोग कराए थे सब? मसरख, मसरख से, मसरख ले गए हम लोग, तो मसरख से भेज दिया लोग, थी कपड़ा से भेजा लोग पटना,
गए तो पटना पे वहीं पे डेथ हो गए। पति क्या नाम था? संसाद अंसारी। कहीं ना कहीं इस मोहल्ले का जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है और इसको लेकर यहाँ के महिला बुजुर्ग सभी में देखा जाए तो मायूसी छाई हुई है। यहाँ के घटना को लेकर महिला से लेकर बुजुर्गों में भी काफ़ी मायूसी छाई हुई है और गुस्सा है, खासकर यहाँ के प्रशासन के प्रति लोगों में गुस्सा है। तो यहाँ पर और नौजवान मौजूद हैं, हम बात करेंगे। भैया कैसे घटना हुआ? पहले घटना देखिए, इसके पहले भी पूर्व भी घटना हो चुका है और जो भी घटना हुआ है इसमें सारा शासन प्रशासन सब लोग संलिप्त है। एक बात बताइए, शासन प्रशासन इस देश को चलाने के लिए बनाया जाता है। आज कोई भी लोअर क्लास का लोग मरा हुआ है, कोई बड़ा हस्ती नहीं मरा हुआ है, कोई देखने के लिए अभी तक कोई शासन प्रशासन यहाँ नहीं आया है। इनके परिवार का क्या स्थिति है, ये लोग किस स्थिति में अभी जी रहे हैं, कोई देखने के लिए नहीं आया है। इस तरह का सरकार जो है निकम्मी सरकार, केवल लोगों को मारने के लिए बनी है और कुछ नहीं। एक बात बताइए, जो शराबबंदी कानून है ये पार्टी फंडिंग को मजबूत करने के लिए एक प्रोजेक्ट है और कुछ नहीं है। बस पार्टी फंडिंग में पैसा आना चाहिए, कौन क्या है कौन मर रहा है उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। कितना लोगों का यहाँ पे मौत? देखिए सब कुछ यहाँ किस केवल ब्राहिमपुर गांव में चार लोग कन्या टोला में केवल मरा हुआ है। लगभग मान के चलो कि सैकड़ों लोग इसमें मरे हुए हैं, लेकिन डाटा को छिपाया जा रहा है ताकि माहौल ना बिगड़े। अभी तक कितना लोगों का मतलब बीमार हुए? मर गए यहाँ पे इस गाँव में, केवल टोला में चार लोग का देहांत हुआ है और लगभग 10 से 12 लोग अभी चेकअप में है, वहाँ PMCH में है। हाँ सब लोग है। क्या हो रहा है शराब पीने के बाद? देखिए ये तो देखिए, जो छाती में दर्द हुआ, किसी का सिर भारी पन और आँख से ना दिखना सबसे पहला सिम्टम है। बहुत सारे लोग मान के चलिए कि जो शराब मिल रहा है तो लोग पिएवे करेगा, रियल बात है। लोग गरीब मजदूरा है, पीता है, तो उससे अच्छा खोल दीजिए ना शराब को, क्या दिक्कत है? एक तो घटना नहीं हुआ ना, उसके बाद आप लोग हजारों के संख्या में लोग मरे हुए हैं, पहले भी और आज भी सैकड़ों की संख्या में लोग मरे हुए हैं। तो ये क्या करे सरकार? बीमार हो रहे हैं उसके बाद आप लोग कहाँ ले जा रहे हैं? देखिए पहले तो एक दो केस आया तो लोगों को तब तक शासन प्रशासन के लोग अलर्ट किए कि यहाँ जाइए, लेकिन कब आ रहे हैं? जब स्थिति सब आपके दरोगा को और यहाँ पे चौकीदार को सस्पेंड किया गया। सस्पेंड क्या होता है? फिर 10 दिन में वो लोग वापस आ जाएगा ड्यूटी पे, फिर पैसा मिलेगा उससे क्या? बहन चौथ इस मामले में ना गाली आ रहा है सर, इस तरह की घटना हुआ है, इनके बच्चों को कौन देखेगा, इनके परिवार को कौन देखेगा? इस तरह के मामले में सस्पेंस क्या होता है? साला को सीधा बर्खास्त, नौकरी से बर्खास्त कीजिए कि नहीं तुमको नौकरी करना ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश यादव हुआ सर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन के प्रति ग्रामीणों में आक्रोश है और यह घटना एक बार नहीं, इसी प्रखंड में 22 में, फिर 23 में, फिर 24 में 3 बार हो चुका है शराब कांड, जिसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं प्रशासन के प्रति आक्रोश है। विशाल कुमार, लोकल 18, छपरा।